हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है पंजाबी ड्रेसिंग लुक बुक आइडिया। तो जो मेरा पर्सनल स्टाइलिंग टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करने के, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो पंजाबी ड्रेसेस में आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पंजाबी लुक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका ड्रेस। ऑफकोर्स आपका ड्रेस ही होगा, तो इसमें कुर्ती और सलवार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी आप स्टिच करा रहे हैं या आप मार्केट से ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी हाइट और हेल्थ के अकॉर्डिंग आपकी कुर्ती जो है होनी चाहिए। उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ना रखें आप। नी लेंथ तक इसकी जो कुर्ती होती है वो अगर होती है तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। आपका जो पंजाबी ड्रेस बनकर तैयार होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और जब भी आप इसका सलवार बनाते हैं तो फुल पटियाला सलवार आप बनवाइए। सेमी पटियाला सलवार अगर आप बनवाते हैं तो उतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपने इस लुक को पूरी तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल ओवर पंजाबी लुक देना चाहते हैं, तो आपका जो पटियाला सलवार है वो फुल पटियाला होना चाहिए। तो इस ड्रेस को बनवाने से पहले काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, जब भी आप पंजाबी लुक क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ड्रेस। अगेन गाइस, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपका दुपट्टा सबसे ज़्यादा काम आता है। पंजाबी लुक दुपट्टे के बिना बिल्कुल भी अधूरा होता है। बिना दुपट्टे के ये लुक आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप दुपट्टा नहीं लेते हैं तो ये लुक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जब भी आप पटियाला ड्रेस, पंजाबी ड्रेस पहन रहे हैं और इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो दुपट्टा आपको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारे ड्रेसेस के साथ दुपट्टा ऑल ओवर आते ही हैं, लेकिन अगर आपने अलग से ड्रेस बनवाया है तो एक अलग से आप दुपट्टा ले सकते हैं। विशेष तौर पर फुलकारी दुपट्टा अगर आप इसके साथ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है। और अगर आपने सिंपल लुक क्रिएट किया है तो सिंपल लुक में भी फुलकारी दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ इसके साथ आप जब भी कोई ड्रेस लेंगे तो उसके साथ दुपट्टा आता ही, तो उस दुपट्टे को आप ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि बिना दुपट्टे के आपका ये लुक बिल्कुल भी अधूरा रहेगा। अगेन गाइस, पंजाबी लुक को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी फुटवेयर्स। तो फुटवेयर्स में आपको पहननी है जूतीस। जूतीस गाइस इस लुक को सबसे ज़्यादा ऑल ओवर कंप्लीट करता है। तो इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आप जूतीस पहन सकते हैं। जूतीस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप अपने पास कोई गोल्ड जूती रख सकते हैं या फिर वाइट या ब्लैक जूती रख सकते हैं, जो सभी ड्रेसेस के साथ मिक्स एंड मैच हो जाती है। इसके अलावा आप मल्टी कलर की जूतीज़ ज़रूर अपने पास रखें। अगर आप पंजाबी लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो जूतीज़ आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप हील्स में पहनना चाहते हैं तो हील्स में भी जूतियाँ अवेलेबल होती हैं, तो जूती स्टाइल की हील्स आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जो प्लेन फ्लैट वाली जूतियाँ होती हैं उस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको फ्लैट जूतीज़ पहननी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करती हैं। तो फुटवेयर्स में आपको जूती पहननी है। अदरवाइज़ इतनी सारी सैंडल्स होती हैं, अलग अलग टाइप के फुटवेयर्स होते हैं, लेकिन कोई भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको जूतीज़ ही पहननी चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं एसेसरीज़ की। अगर आपने पंजाबी लुक क्रिएट किया है और आप सिंपल पंजाबी लुक, पंजाबी कुड़ी दिखना चाहते हैं तो एसेसरीज़ भी आपको बहुत हैवी नहीं लेने हैं। सिर्फ आपको इयररिंग्स का ध्यान देना है। जब भी आप पटियाला सलवार के साथ पटियाला लुक क्रिएट कर रहे हैं, पंजाबी लुक क्रिएट कर रहे हैं, पंजाबी कुड़ी दिखना चाहते हैं, तो आपको झुमकी पहनना चाहिए। आपके जो इयररिंग्स हैं वो झुमका स्टाइल होंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, क्योंकि इयररिंग्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इस लुक में झुमका स्टाइल जो इयररिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हैवी बड़े वाले इयररिंग्स आप पहन सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े इयररिंग्स पसंद नहीं है तो छोटी छोटी झुमकियाँ होती हैं वो झुमकियाँ आप पहन सकते हैं। झुमका स्टाइल की बालियाँ आप पहन सकते हैं। तो झुमका स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप और बहुत ज़्यादा हैवी एसेसरीज़ नहीं पहनना चाहते हैं, हल्की बैंगल्स आप पहन सकते हैं। बैंगल्स ही इस लुक में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जब भी आप ये लुक क्रिएट कर रहे हैं तो इयररिंग्स आपके झुमके स्टाइल होना चाहिए। हल्की फुल्की आप प्लेन वाली बैंगल्स पहन सकते हैं। गले पर छोटा सा नेक पीस ले सकते हैं अगर आपको लेना है। अदरवाइज़ वैसे भी ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट, आपको आपके एसेसरीज़ में आपको झुमके या बालियाँ ही पहननी हैं। इयररिंग्स का आपको विशेष ध्यान देना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका हेयर स्टाइल, जो कि इस लुक को फुलफिल करता है पूरी तरीके से। तो गाइस, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी हेयर स्टाइल कीजिए, सभी आप पे अच्छे लगेंगे। इस लुक को क्रिएट करने के लिए अपने बालों को अगर ओपन स्ट्रेट हेयर रखते हैं तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे।
अगर आप बालों को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो फेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपके हेयर हैं उसके अकॉर्डिंग आप बालों को कर्ल कर सकते हैं, ओपन हेयर रख सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं और पोनीटेल कर सकते हैं, सभी इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। ओपन हेयर पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो साइड से बाल लेकर आप साइड ब्रेड बना लीजिए। लंबे बालों अगर आपके हैं तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है कि लंबे बालों पर एक लंबी सी चोटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक क्रिएट हो जाता है। अगर आप पटियाला ड्रेसेस के साथ पंजाबी लुक क्रिएट करना चाहते हैं, पंजाबी कुड़ी दिखना चाहते हैं, ब्रेड बना सकते हैं और एक नया लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत ही छोटी छोटी सी मेरी पर्सनल स्टाइलिंग टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपको अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देना है, आपको एसेसरीज पे ध्यान देना है, अपने फुटवेयर पे ध्यान देना है और ड्रेस को स्टिच कराने से पहले ड्रेसिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी लुक बुक क्रिएट हो जाएगा और आप बहुत ही खूबसूरत पंजाबी को भी दिखने लगेंगी। सो गाइस, इस सब चीज़ों को आपको जरूर फॉलो करना है अगर आप ये लुक क्रिएट करना चाहते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरीज डालती हूँ और नई नई अपडेट्स देती रहती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सीतू पीटीएल। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।